हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तबीयत कल रात को चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सर में दर्द था, बुखार था, तो मैं आज कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बाहर भी नहीं जा पाई। तो बस थोड़ी सी हिम्मत हुई, थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, तो फिर मैं ये लेकर आई ब्रोस्ट। तो और एक जगह मुझे ज़रूरी था जाना, वहाँ पर भी मेरा जाना नहीं हुआ। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग किस चीज़ पर रखूँ, कोई हेडिक ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ना ये ब्रोस्ट खाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो जिसका दिल चाह रहा आ जाए मेरे साथ ब्रोस्ट खा ले, तो थोड़ा बहुत आप लोगों से आज का ये ब्लॉग शेयर करेंगे। तो चलते हैं, ब्रोस्ट निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लेट, ये प्लेट मैंने ली है ब्रोस्ट निकालने के लिए। देख सकते हैं आप, ब्रोस्ट निकालने लगी हूँ मैं। ये किचन का सामान रखा हुआ है, ये ब्रोस्ट का बन, ये ब्रोस्ट के साथ आने वाला रायता, ये देख रहे हैं ना आप। और ये है इसमें चेस्ट पीस ब्रोस्ट, चेस्ट पीस ब्रोस्ट इसमें। ये आप लोगों को दिखाऊंगी निकाल के किसी तरह, ये देख सकते हैं। एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना बिल्कुल भी इंसान के लिए आसान नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप ब्रोस्ट, ब्रोस्ट का चेहरा तो आप लोगों को देख ही रहे होंगे, कितना मज़े का लग रहा होगा देखने में। तो मैंने डब्बे के समेत ही ब्रोस्ट यहाँ सेट कर दिया है और मैं इसका बन भी साइड में ही रख लूँगी और रायता भी नहीं रख लूँगी। रायते के लिए ले लूँगी मैं ये वाला बॉल, इस पर मैं रायता उल्टा कर दूँगी तो फिर निकाल कर खाएंगे। तो देख सकते हैं आप मेरा ब्रोस्ट कैसा लग रहा होगा। आप बताएं कमरे की तरफ अपना खाना लेकर, हमारे साथ बने रहिएगा। ये देख सकते हैं आप, मैंने जो ये सामान रख लिया है और मैं चल पड़ी हूँ। कटोरा बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन ठीक है, इसमें चटनी निकाली जा सकती है। तो आ जाइए मेरे साथ ब्रोस्ट के साथ, इंजॉय करते हैं ब्रोस्ट आज। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं मैं आ गई कमरे में। मम्मा बैठ के कर रही है काम ऑफिस का और ये मेरा बिस्तर है, साफ़ सुथरा करके मैं गई थी और ये निकालने लगी मैं खाना। बहुत टेस्ट की भूख लगी, जिस जिसको खाना खाना है हमारे साथ आ जाए और बैठ जाए और खा ले। ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार ब्रोस्ट है, ब्रोस्ट का पीस देख रहे हैं कितना यमी लग रहा है देखने में। इसको सेट कर लिया हमने और चटनी, अब फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो मैंने किचन में ही छोड़ दिया। तो खा लें आप आकर के। गली में आता हूँ तेरे से बात करता हूँ। अब्दुल्ला घूम रहा है यहाँ पर, अब्दुल्ला। हाँ, देख सकते हैं आप लालची और नदीदा बच्चा सामने खड़ा हुआ। क्या कहना चाहोगे अब्दुल्ला लोगों को? यही कहना चाहूँगा इनके ब्रोस्ट को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो वरना मेरी नियत ख़राब हो जाएगी। लालची है ये, बहुत बड़ा लालची है अब्दुल्ला। देख सकते हैं आप, मैं ब्रोस्ट खा रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। भाई जाने की वजह से आज हमारी ब्लॉगिंग हो नहीं पाई लेकिन फिर मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। इन्जॉय करें आप भी, खरीद के ला के खाएं। ऐसे घूमता घुमाता हुआ नियत लगा कर इस चीज़ पर, सामने पीछे जाओ, पीछे जाओ, जो कहना नज़र नहीं आ रहे, सही नज़र नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं लालची बच्चा खड़ा हुआ है, नियत ख़राब हो रही है इसकी। किस पे? इस पे नियत ख़राब हो रही है, नहीं मिले तो हजम नहीं होगा। हजम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा हजम? इस पे मेरी नज़र है। ये ले, क्या याद करेगा, ले ले खा। ये देख सकते हैं आप कैसी एक्टिंग कर रहा है, चला गया लालची बंदा। थोड़ा सा डांस ही करके दिखा दो। आप सब देख सकते हैं अब्दुल्ला का लालचीपन, अब्दुल्ला का छिचोरापन कितना ज़्यादा है। आया था ब्रोस्ट की लालच में लेकिन जाना पड़ा उसको ऐसे ही इसके बगैर। चिप्स खिलाइए वो भी एक, और खुद देखें किस तरह खा रहे ब्रोस्ट। बहुत मज़े का ब्रोस्ट है, मैं तो नहीं ब्रोस्ट बनाते हैं। इसका डब्बा मैंने ऐसे मोड़ के रख दिया है वरना पता चलता है ये किस कंपनी का ब्रोस्ट है। सकते हैं यहाँ पर शादी के गाने हो रहे हैं किसी के घर पे और मैं लेने के लिए आ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना वो भाग गया था घर से बाहर। तो चले कोल्ड ड्रिंक में आ गए लेने के लिए, गली में ही कोल्ड ड्रिंक दुकान पर। एक कोल्ड ड्रिंक दे दीजिएगा 60 वाली पेप्सी। अरे पैसे गिर गए, ये देख सकते हैं आप पैसे ज़मीन पे गिर गए, तो मैंने उठाए पैसे। एक कोक दे दीजिएगा, ये देख सकते हैं आप दुकान पर मैं खड़ी हुई हूँ, मौजूद हूँ।
यहाँ पर तमाम चीज़ें मिलती हैं, पानी वगैरह ये सब कुछ। नाशपान मसाला है आपके पास? नाशपान मसाला है, वो दे दीजिएगा 20 रुपये की, 40 रुपये की दे दीजिएगा। तो जो 40 रुपये बच रहे थे मैंने उसमें से ही नाशपान मसाला ले लिया। और ये देख सकते हैं हमारी गली, खड़े हुए लोग मौजूद ही हैं यहाँ पर, हर कोई देख रहा होता है गौर से, क्योंकि लोगों के पास शायद हमारा लिंक पहुँच गया तो ये लोग समझ पहचान जाते हैं कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इस बेताबी से और इसे देख रहे होते हैं। देख सकते हैं आप, मैंने ले लिया ये कोल्ड ड्रिंक और मैं जा रही हूँ घर की तरफ, तो चले घर की तरफ चलते हैं। इंजॉय करेंगे कोल्ड ड्रिंक। देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं आ गई हूँ, ये 500 ml की, और इसके लिए मैं निकालती हूँ गिलास। ये देख सकते हैं आपको पता है जाहिर सी बात है ब्रोस्ट है, उसके साथ इंसान को कोल्ड ड्रिंक ही अच्छी लगती है। पूरी सर्दी चाय पी पी पीकर तो हमारी हालत ही आधी हो गई है। तो आप देख सकते हैं मैंने गिलास को अच्छी तरह धो लिया है और ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर रखी हुई है। देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। और इसे मैं पीऊँगी यमी यमी करके। तो ये ले रही कोल्ड ड्रिंक मेरी, पी रही हूँ। आप लोगों को पीनी तो आप लोग भी आ जाएं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हेल्प करें। हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है उम्मीद पर किए कि लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तो बहुत कम है, तो आप लोगों की ही सपोर्ट से हमारा जो है चैनल आगे ग्रो करेगा। हमारी वीडियोस वायरल होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने जानने वालों में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ 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 आप लोगों से गुजारिश है। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।